चावल के आटे से कितनी स्वादिष्ट बर्फी बनाई है बिना मावे की, आप भी ट्राई करिएगा, आप भी बनाइएगा। दोस्तों आज हम चावल के आटे से बर्फी बनाएंगे कच्चे चावल की। देखो हमने एक कटोरी चावल ले लिए हैं और हम इन्हें एक बर्तन में धोएंगे। अब हमने चावल अच्छे से धो लिए हैं और चावल सुखाएंगे हम थोड़े से, जो फ्राई हो जाए इनमें पानी ख़त्म हो जाए। को पंखे के नीचे रख देंगे जो इनका पानी ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद हम मिक्सी में पीसेंगे। देखो हमारे चावल खराब हो गए हैं, इनमें पानी नहीं रहा, देखो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे चावल करने हैं इनको धोने के बाद, आपको ऐसे करने हैं। ये नई रेसिपी है, देखो आप ट्राई करो। अब हम कढ़ाई रख के हम चावलों को भूनेंगे और उसमें देसी घी डालेंगे। गैस हो गई है, घी गरम हो गया है हमारा और उसमें हम आधी चावल डालेंगे। और इन्हें चावलों को भूनेंगे अच्छे से गुलाबी होने तक। चावल अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। तो हमने चावल को देसी घी में भून लिया है, हमारे गोल्डन हो गए हैं। अब इन्हें ठंडा करेंगे फिर इन्हें मिक्सी में पीसेंगे। हमारे कितने अच्छे से हो गए हैं चावल, देखो कितने क्रिस्पी हो गए, कितने टूट रहे हैं, कितना करारे हो गए, इनमें कच्चापन ख़त्म हो गया है। देखो आपने ऐसी पहले रेसिपी कभी देखी नहीं होगी, ना बनाई होगी आपने। अब हमारे चावल ठंडे हो गए हैं, अब हम एक मिक्सी के जार में चावल करेंगे। अब हमने जार में चावल कर लिए हैं, अब हम इन्हें देखो हमारे ये पिस गए हैं। देखो हम मिक्सी का जार खोलेंगे, देखो कैसे धुआं हो गया, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो कितने अच्छे से पिस गए हैं। तो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ना। हमने देखो आधा गोला कस लिया है, 10-12 काजू ले लिए हैं, 10-12 हमने बादाम ले लिए हैं, 10-12 पिस्ते ले लिए हैं, 2-3 हमने इलायची ले ली है, उन्हें हल्का सा कूट लिया है दरदरा। अब हम इन्हें मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे। देखो कितने अच्छे से हो गए सारे, और हम इन्हें बारीक पीस पेस्ट बना लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट पीस गए हैं, देखो कितने अच्छे से पीस गए हैं, देखो कैसे धुआं निकल रहा है। आप इसमें एक चम्मच वो भी डाल सकते हैं मिल्क पाउडर भी। अच्छे से हो गए, और हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है इसमें और इसमें दूध डालेंगे। हमने मलाई वाला दूध लिया है क्योंकि दूध से ही बर्फी बनती है, इसलिए हमने मलाई का दूध लिया है। हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा है इसमें, और इसमें एक उबाल लगाएंगे। देखो हमारे दूध में कितना अच्छा उबाल आ गया है, और इसमें एक कटोरी आधी कटोरी चीनी डालेंगे। अब हम इसे चलाएंगे, जब तक चीनी मेल्ट होएगी चलाते रहेंगे इसे। देखो कितने अच्छे से उबाल आ रहा है, देखो दूध कैसा हो गया, मलाई वाला दूध है ये, आप मलाई अलग से भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके पास मलाई रखी हुई है तो आप उसमें से भी मलाई डाल सकते हैं। देखो अच्छे से उबाल आ गया है, और इसमें ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डालेंगे जो हमने ग्राइंडर में पीसा था, डाल के चलाएंगे अच्छे से। देखो कैसा कलर हो गया इसका, इसमें गांठे ना पड़े इसलिए हम इसे अच्छे से चलाएंगे। देखो हमारे कितने अच्छे से हो गया है ये सब, और इसमें हम चावल पीसे हुए डालेंगे अपने।
चावल डालते रहेंगे और देखो चलाते रहेंगे अब ये, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। देखो अच्छी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। देखो हमने चावल का आटा डाल दिया है, उसके बाद देखो कितना कड़ा हो गया ये, और इसे अच्छे से चलाएंगे। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हमने चॉकलेट पाउडर लिया है, 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर है हमारा, और हम इसे दूध में घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से घोलेंगे हम इसे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखो ये घुल गया है अच्छे से, अब हमने इसे चलाएंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखो अब इसमें आधे में हम चॉकलेट पाउडर मिलाएंगे जो हमें घोलना है। इसका रंग देखो चॉकलेटी हो गया। देखो हमने एक ट्रे में ऐसे डाल दिया है इसे। तो हमने एक परत ऐसे डाल दिए इसमें। अब हम इसमें चॉकलेट वाला डालेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आया है। कितने अच्छे से बन गया है हमारा। अब हम इसकी थोड़ी देर बाद गर ठंडा होने के बाद कटिंग करेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट लगा देंगे। कितने अच्छे से जम गई है। और हम ये किनारे किनारे से चक्कू से करेंगे जिससे हमारी निकालने में आसानी रहे। अब हम इसे थाली में निकालेंगे। कितने अच्छे से हो गई हमारी। देखो इधर से वाइट है हमारी, उधर से चॉकलेटी कलर है। अब इसे सीधा करेंगे। अब देखो हम इसके पीस करेंगे। आप जैसे भी पीस चाहो वैसे काट सकते हैं। हमने चकोर काटे हैं। देखो कितने अच्छे से हो गई। अब हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे। देखो कितने अच्छे से तैयार हो गई है। देखिएगा इसका पीस, देखिएगा कितना अच्छा हो गया है। 2 कलर में आया है, वाइट में, चॉकलेट कलर में। देखो देखिएगा तोड़ के कितनी अच्छी हो गई है। आप ऐसे ट्राई करिए, आप बनाइएगा, खाइएगा और खिलाइएगा। देखो कितनी अच्छी बनी है। एक कटोरी चावलों से हमने बनाई थी ये। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा।